मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज लाइव विवाद राज विद महबूब रजा। मैं आपका इस्तकबाल है। चलिए आज हम बातें करेंगे तब्दीली। क्या तब्दीली? पुरानी चीजों में नया लेवल लगा करके लॉन्च करना, इनोवेशन करना, इफ्तिताह करना या उद्घाटन करना। आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो पुरानी चीजें होती है, उसको नए सिरे से नए लेवल लगा करके हम पेश करते हैं। चलिए इसी के करी है हबीबगंज स्टेशन भोपाल का, जिसको 15 नवंबर को हमारे वजीर आजम जनाब इज्जत माप नरेंद्र मोदी साहब ने हबीबगंज स्टेशन का नाम तब्दील करके रानी कमलापति स्टेशन रख चुके हैं। और इस प्रोग्राम के लिए, भोपाल में प्रोग्राम के लिए कमोबेश बावसुख जराए के मुताबिक जो खबरें आई है 23 करोड़ रुपया खर्च भी हुए हैं। इसलिए कि मकसद एक निशाने से न जाने कितनी चीजों पे वार करना, मकसद तीर एक थी, निशाने कई और थे। रानी कमलापति जो गोंड की महारानी थी, आदिवासियों की रानी थी, उनको भी रुझाने का एक मकसद था। इसलिए कि जो पिछले मर्तबा जो इलेक्शन हुए थे तो इस हलके की जो वोटर्स हैं ये बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, कम मिकदार में सीटें आई। मगर एक चीज उससे पहले मैं बताते चलूं, मुल्क के पहला ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा। आप जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। और ये स्टेशन अपने आप में बहुत खूबसूरत स्टेशन है, बन चुका है। दूसरी ये बात है कि एयरपोर्ट में जितनी सहूलत मुसाफिर को मयसर होती है, सारी सहूलतें आपको हबीबगंज यानी रानी कमलापति स्टेशन पे मयसर होगा, सारी चीजें मयसर होगी। मुल्क का पहला मॉडल स्टेशन है। और भोपाल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने कहा स्टेशन पर हर सहूलत मयसर होगी जो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता है। मैं आपको बताते चलूं और आगे चलते हैं। 16वीं सदी में भोपाल गोंड हुक्मरानों के मातहत था। उस वक्त के हाकिम निजाम शाह थे। निजाम शाह की 7वीं रानी, 7वीं वाइफ, 7वीं अहलिया शरीक हयात रानी कमलापति से शादी हुई थी। 7वीं 7 नंबर की वाइफ थी, 7 नंबर की उनकी जो है पत्नी अर्धांगनी थी। किसकी थी? निजाम शाह की, निजाम शाह की। ये गुंड के ये रूलर थे, हुक्मरान थे। इनका जो है मंडला टू भोपाल तक इनकी हुक्मरानी थी। जब मुगल शहंशाह का आहिस्ते आहिस्ते जोर कम होते हुए चला गया, औरंगजेब आलमगीर साहब का इंतकाल हो चुका था, उसके बाद जो है ये छोटी छोटी इलाकों में जो है समझिए इस किस्म के जो नवाब थे, राजा थे, सर उठाने लगे। और सब ने खुद मुख्तारी का अनाउंसमेंट कर दिया था, उसमें से एक गोंड का एरिया भी था। और उसमें से तकरीबन 750 जो है मौजे आते थे, भोपाल जो है कुछ दूरी पे था। चलिए और भी आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं और बताते चलूं, नाम तब्दील करने का मकसद रानी कमलापति को खराज अकीदत पेश करना मकसद होता तो किसी भी जगह का, किसी भी स्टेशन का रानी कमलापति के नाम से रख दिया जाता। और या उसके नाम से और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती थी, कॉलेज बनाए जा सकते थे, या कोई भी समझिए भवन बनाया जा सकता था। मगर उनको इससे कोई मतलब नहीं था। इससे पहले वहां की कुछ बीजेपी के एमपीज या कुछ बीजेपी के लीडरान ने भी एक लेटर भेजा था कि हबीबगंज का नाम को जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मंसूब किया जाए, उसके नाम पर रखा जाए, तो ये तजवीज नहीं मानी गई। फिर उसके बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने वजीर दाखला के पास ये तजवीज भेजा कि हबीबगंज स्टेशन का नाम जो है रानी कमलापति के नाम से रखा जाए। चलिए इस बार इनकी तजवीज को मान ली गई और सारी चीज सब चीज सही तरीके से हो गया। मगर मैं बताता हूं, बीजेपी वाले आरएसएस को विश्व हिंदू परिषद से मुसलमान या इस्लाम जैसे नामों से चिढ़ है। ये नाम उनको सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये नाम वो पसंद ही नहीं करते सिरे से। अगर किसी का नाम, मैं उसके बारे में बातें करूंगा, ये लोग चुन चुन के ऐसे शहरों, मोहल्लों, गांव, सड़कों का नाम, एरियाज का नाम बदल रहे हैं जिनका नाम इस्लाम से या मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में कोई भी किसी जगह का नाम
जो है मुसलमानों जैसा हो या इस्लाम से मजलूम जैसा नाम हो, इसलिए उन्होंने तब्दीली करना शुरू कर दिया। मुगल सराय का नाम तब्दील करके दीन दयाल उपाध्याय रख दिया गया। तारीखी शहर इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज रख दिया गया। फैजाबाद को नवाब फैजा साहब ने उसको एस्टेब्लिशमेंट किया था, उनके नाम से था फैजाबाद, उसका फैजाबाद का नाम तब्दील करके अयोध्या बना दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या स्टेशन में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली का एक गांव है जिसको नाम है मोहम्मदपुर, मोहम्मदपुर का नाम माधोपुर में तब्दील कर दिया गया। महल्ला बाजारों तक का नाम को बदल दिया। गोरखपुर में एक बाजार था, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर दिया। आप समझ लीजिए उर्दू जिसने हिंदुस्तान की आजादी में क्या रोल अदा नहीं किया। सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुल है इसके गुलसिता हमारा, ये उर्दू जबान का शेर। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है। ये फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी जो अंदर जोश जलवला पैदा करने के लिए अशार पढ़ा करते थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, इस तरीका से है। ये है इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत महोनी ने दिया था। ये सारे उर्दू के अल्फाजात है। इस तरीका से उसने जो है गोरखपुर का गांव उर्दू बाजार को हिंदू बाजार कर दिया गया, हिंदी बाजार कर दिया गया। महल्ला अली नगर को हनुमान नगर बना दिया गया। इस तरीका से आगरे का मुगल म्यूजियम को शिवाजी म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। ये सारी चीजें आपने तब्दीली सुनी। शायद लगता है कि तब्दीली करने के बाद हिंदुस्तान में तरक्की हो जाएगी, सब चीज हो जाएगा। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ये तो पुराने लोग के कारनामे थे, पुराने लोग के नाम रखा था, ये उनका नाम दिया हुआ नाम था। अगर वाकई में आप देश की जनता के लिए, देश की अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो नई चीज बनाइए, नए नामों से रखिए। पुराने नामों में तब्दीली कर देने से, लेवल तब्दील कर देने से कोई बड़ा काम नहीं हो जाता, ये जनता का भला नहीं हो जाता, ये जनता की अपलिफ्टमेंट नहीं हो जाती है। इसके लिए आपको काम करके दिखलाना पड़ेगा। मैं फिर बोलना चाहता हूं एक चीज, हिंदुस्तान बहुत शक्तिशाली मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क अजीज बहुत पावरफुल मुल्क है। आज हमारे वजीर आजम दुनिया की जिस कोने में भी जाते हैं उनको इज्जत की नजर से देखी जाती है, उनको सम्मान और रिस्पेक्ट मिलता है। ये क्यों मिलता है कि कमोबेश 70-72 सालों में जो प्रीवियस हुक्मरानों ने हुक्मरानी की है, देश की इमेज को दुनिया के सामने ऐसा पेश किया, इसलिए आपको इज्जत मिल रही है। ये इज्जत 2014 में प्रधानमंत्री बन जाने के बाद से शुरू नहीं हुई है। इससे पहले भी जितने भी वजीर आजम फॉरन जाया करते थे उनको भी इसी पैमाने का इज्जत मिला करते। चलिए ये तो एक बात हो गई, मगर उससे पहले हम बातें करते हैं हबीबगंज। हबीबगंज साहब, हबीबगंज स्टेशन का नाम हबीबगंज कैसे पड़ा ये जानना आपको बहुत जरूरी है, ये समझना भी बहुत जरूरी, इसकी वजूहात क्या थी। तो मैं बताते आपको चलूं कि भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला साहब के बड़े भतीजे नवाब हबीबुल्ला की जागीर हुआ करती थी, और नवाब हबीबुल्ला ने अवामी सहूलत के खातिर स्टेशन के लिए अपनी जाती जमीन बतौरे अतिया किया था, दान दिया था, गिफ्ट दिया था। उनकी इसी फयाजी के बिना पर स्टेशन का नाम हबीबगंज रख दिया गया। जमीन किसकी थी? नवाब हबीबुल्ला की, नवाब हबीबुल्ला के। हबीबुल्ला कौन थे? नवाब हमीदुल्ला के बड़े भतीजे थे। कब दिया था? 1920 में दिया था। कब दिया था? 1920 में दिया था। सिर्फ जमीन ही नहीं दिए थे, जमीन के साथ पैसे भी दिए थे और मनी भी दिया था, रुपये भी दिए थे, ताकि आप अच्छा स्टेशन बना सके। तो ये स्टेशन बन गया, ये सारी चीजें होने लगी। मगर मैं फिर बताना चाहता हूं, सारी चीज होने के बाद बीजेपी को जब दो ये नाम खटकने लगा कि भाई भोपाल में और हमारी जो भोपाल की जो एमपी है वो जो बीजेपी के एमपी है, मध्य प्रदेश का सीएम बीजेपी का है, तो भाई ये हबीब नाम क्यों रहेगा? तो उन्होंने बहुत सोची समझी साजिश के तहत इसका नाम रानी कमलापति के नाम से रख दिया गया। मगर आपको मैं फिर बताता हूं, जिस आइडियोलॉजी के तहत ये लोग जो है इख्तलाफात करते हैं, ये हिंदू महासभा के लोग हो या विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, इस किस्म के जितने भी लोग हैं, इस किस्म के नाम जहां जहां देखते हैं उसको एक एप्लीकेशन डाल देते हैं, तब्दील कीजिए। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि रानी कमलापति भी जो थी ये निजाम शाह की
वाइफ थी, अहलिया थी, शरीके हयात थी, और ये निजाम शाह और हबीबुल्लाह, नवाब हबीबुल्लाह के सामने क्या रिश्ता था? तो नवाब हबीबुल्लाह के दादा थे निजाम शाह, गुंड के रूलर थे, इनके दादा थे। रानी कमलापति कौन हो गई? नवाब हबीबुल्लाह साहब के दादी हो गई। तो चलिए एक चीज मैं बताते चलूं, जिसके नाम से किया जा रहा है वो सात नंबर की, सेवन नंबर की वाइफ थी, और जिनको बताया जा रहा है कि हिंदू की आखिरी क्वीन थी। तो ये मैं उन लोगों को जहन साजी कर दूं, हिस्ट्री के पन्ने से थोड़ा पेज को उलट करके उनके बता दूं कि जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी थे, उनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी पहचान हुआ करती थी। वो अपने आप को वहां के ट्राइबल हजरात जो है, आदिवासी हजरात है, हिंदू क्वीन, लास्ट क्वीन कहने की वजह से भी वो लोग काफी अपसेट, नाराज थे। उनकी अपनी पहचान थी, अपनी जो है पहचान के तहत वो लोग काम करते थे। वो ऐसा नहीं थे कि वो अपने आप को हिंदू कर रहा, मगर क्या है उस जमाने की मैं बातें कर रहा हूं इसलिए। और दूसरी अहम बात ये मैं बताते चलूं कि निजाम शाह की बीवी थी, निजाम शाह की वाइफ होने के नाते से हबीबुल्लाह साहब की दादी हो गई। तो कहने मतलब है कि जो बीजेपी ने जो चौका लगाना चाहा, जिस तरीका से सजाना चाहा, वो 100% इनके उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। भाई पोता का नाम को हटाया, दादी का नाम आ गया। मगर मैं बताना देना चाहता हूं, अगर वाकई में ये लोग जो है, अगर उसका नाम बदलते, बरकतुल्ला साहब भी फ्रीडम फाइटर थे, अगर उनके नाम से भी रख देते तो कितना बेहतर होता। देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा है, पूरे देश दुनिया भर से लोगों को मुत्तहिद करके जागरूक करते थे, और हिंदुस्तान की फ्रीडम, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, तो इस तरीके से ये काम हो सकता था। मगर एक ही चीज कहने का मतलब है कि नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है, काम करके दिखलाना पड़ता है। काम जब कीजिएगा तभी होगा। ऐसा आपने टीवी में भी देखा होगा, चैनलों में भी देखा होगा, जब 15 नवंबर को हमारे वजीर आजम साहब तकरीर फरमा रहे थे, पीछे की चेयर्स खाली थे, लोग आदिवासी हजरात उठ करके जा रहे थे। ये समझ में आता है कि हमारे ख्याल से उनकी बातें पसंद नहीं आई। ये सारी चीजें हैं, तो बोलने से कुछ नहीं होता, पैसा खर्च कर लेने से, भीड़ को बुला लेने से नहीं होता। अगर यही पैसा जो आपने मीटिंग बुलाने पे खर्च किया, लोगों को रुझाने में खर्च किया, अगर इसी पैसा का रानी कमलापति के नाम से अगर कोई इदारा कायम कर दिया जाता, कोई इंस्टीट्यूट कायम कर दिया जाता, कोई हॉस्पिटल उनके नाम से कायम कर दिया जाता, कोई यूनिवर्सिटी कायम कर दिया जाता, तो और भी ज्यादा बेहतर होता, और भी जनता को ज्यादा फायदा पहुंचता। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, किसी जातिवाद के खिलाफ नहीं हूं। मेरा काम है आईना दिखलाना, आपको आईना दिखला दिया। हबीबगंज का नाम रानी कमलापति रखा जा चुका है, हबीबगंज का नाम हबीबगंज क्यों रखा गया मैं उसके बारे में बता चुका हूं। इस तरीका के सच्चाई के ऊपर से मैं पर्दा उठाया हूं, उठाता रहूंगा। मुल्क की हालत बदल रही है, सियासी फिजा बदल रही है, यूपी की भी फिजा बदल रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का ओपनिंग हो चुका है, और जलगार भी हो रहा है, सियासी लड़ाई तेज है यूपी में। आप देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज लाइव। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। अगर आपने अभी तक सरप्रस्त न्यूज लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह आपका अपना चैनल है, ये सच की आवाज है।